महापद के गुफा वाला भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल को देखने जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हाईवे के एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ वाहनों का रैला देखने को मिल रहा है। राहुल के साथ पैदल चलने वाले कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के कड़ों बंदोबस्त के बीच गुफा वाले मंदिर पहुंची है यात्रा। बागपत के गुफा वाला भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। बता दे, राहुल को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हाईवे की एक तरफ यात्रा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ वाहनों का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। राहुल के साथ पैदल चलने वाले कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। सुरक्षा के कड़ों बंदोबस्त के बीच गुफा वाले मंदिर पहुंची है यात्रा। बागपत के गुफा वाला पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बता दें, यूपी में प्रवेश कर चुकी। हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमसे जुड़ेंगे। राजन, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंच चुकी है, क्या कुछ पूरा रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, और यहाँ पर जब यूपी में एंट्री की है भारत जोड़ो यात्रा ने, तो पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और यहाँ का यहाँ की मैं आपको व्यवस्था की बात बताऊं तो यहाँ पर बागपत में गुफा एक इलाका है, गुफा मंदिर करके, यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा इस टाइम प्रतीक्षा कर रही है। दोपहर बाद यहाँ पे शामली की तरफ निकलेगी, और यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है, पुलिस के कड़े इंतजाम है। यहाँ पर ये मुख्य गेट है, ये मुख्य गेट पर पुलिस का पहरा है। यहाँ पर बिना पास के किसी की एंट्री नहीं है, केवल मीडिया और जो यहाँ पे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इस गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर चाय और खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं ब्रिजलाल जी से कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा यूपी में आ गई है और अब यहाँ से आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कहना है जी। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, अमित राय जी, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये कितनी सफल हो पाएगी, कितने लोगों का समर्थन मिला? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इतनी सर्दी का मौसम है, राहुल गांधी सिंगल टीचर पर दिखाई दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में उनकी तपस्या का समझा है, उसके बदले तपस्या करना है भारतीय जनता पार्टी का, ये तपस्या है, ये तपस्या से उसने अपने मन को काबू किया जी। एक और हमारे साथ कांग्रेस से है, क्या नाम? राहुल जी ने जो आज देश में इतिहास कर दिया है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एंड होगा, आज दिखा दिया है कि युवा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे कोई हो, सबको साथ लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी जी सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से रोजगार पर, सवाल करते हैं जो मोदी जी ने वादे किए थे 15 लाख अकाउंट आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन क्या बात उनके उनकी बात जो सिर्फ रह गई और जो है मंदिर मंदिर पर लोगों ने जाकर रख दिया है और देश में बहुत खड़ा करते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है कांग्रेस के ब्रिजलाल जी, ब्रिजलाल जी से बात करें।
सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दाखिल हुई है और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे प्रदेशवासी कांग्रेस के तमाम साथियों ने आदरणीय राहुल गांधी जी को हजारों हजार स्वागत किया है, हमें भी अच्छा लग रहा है। 7 सितंबर से ये जन आंदोलन शुरू हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम किया गया है और लाखों की संख्या में इसमें लोग जुड़ चुके हैं, कई कार्यकर्ता हैं, जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है ये यात्रा कितनी सफल होने वाली है? यात्रा तो सफल हो ही गई है, जब यात्रा जब सफल मानी गई है जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया उसी दिन सफल हो गई थी। यात्रा का मुख्य सर्टिफिकेट तो हमें सफलता का उसी दिन मिल गया था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश हो गए, अब उनको जो है तमाम हथियार चलाने के बाद भी यात्रा नहीं रुकी है, कोरोना हमें फैल रहा है, कोरोना नहीं फैल रहा है, हमारी यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, ना कोई डरेगा ना कोई रुकेगा ना कोई। अच्छा, जन आंदोलन को भारत जोड़ो यात्रा का नाम क्यों दिया गया? क्या भारत पहले से चुना था भारत जोड़ो यात्रा का? देख लो, पहले से तो चुना था, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से ये सोचने का, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और फिर टुकड़े टुकड़े करके देश को बेचने के, ये जो टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं, कभी रेल बेच रहे तो कभी रेल बेच रहे, कभी आपके हवाई जहाज कांटा बेच रहे तो कभी हवाई जहाज बेच रहे, तो जो टुकड़े टुकड़े करके बेचने का जो सिलसिला शुरू हुआ है तब से भारत चला है। बीजेपी ये भी कह रही है कि इसमें कड़ाके की ठंड हो रही है और राहुल गांधी सिंगल टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देश में राहुल जी के आ जाता है परिवार, जब उनका उनके पूर्वजों के द्वारा आजाद कराया देश नहीं बिकता नजर आ रहा है टुकड़े टुकड़े में, तो तकलीफ होगी, जब तकलीफ होगी तो लक्ष्य होगा, जब किसी का लक्ष्य बन जाता है तो ना उसे बरसात दिखाई देती ना गर्मी दिखाई देती ना जाती, उनका लक्ष्य है देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये हमारा लक्ष्य है, ना इसमें सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी ना ज्यादा। ये भारत जोड़ो यात्रा कब तक चलने वाली है? जैसे ही 3800 किलोमीटर पूरे होंगे भारत, अभी हम यहाँ यही रुकेंगे, 3800 किलोमीटर पूरे होने तक कश्मीर में जिस दिन पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? एक बहुत बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है, काफी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता भी दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने छोटे बच्चे भी देखे हैं जो चप्पलों में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और राहुल गांधी सिकंदराबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके? किसी को तो कहते प्रेम, इसी से तो घबराई है भारतीय जनता पार्टी कि बूढ़े बच्चे नौजवान सब राहुल जी चिल्ला रहे, मेरा क्या होगा, तो जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे सामने है, तुमने नफरत फैला करके इस देश को खत्म करने की जो सोच बनाई है इस पर भारी सोच है, राहुल जी ने प्रेम से इस देश को फिर से जाके नाथ जोड़ने का काम किया है और ये भारत जहाँ से कन्याकुमारी से चले हैं बराबर जिनका चला रहा है। ये संभावनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, बाकी के लोग नहीं, आप नहीं मान रहे, आपको डर नहीं है, आपको डर नहीं है, मुझे डर नहीं है, तो मानेगा कौन, केवल भाजपा वाले मानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जेकर सारे सांसद एकदम से मास्क लगा के पहुंच गए ये दिखाना चाहते हैं कोरोना आ गया, 24 घंटे पहले तक कोई कोरोना नहीं था, 24 घंटे के बाद जैसे ही राहुल जी की यात्रा का इधर घोषणा हुई वो इधर जो है आपका कोरोना अप हो गया, क्यों हो गया? राहुल जी कोरोना के नाम पर, राहुल जी रुकने वाले नहीं, वो तो जहाँ के लिए निकले हैं वहीं पहुंचे। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल जी बड़े लगते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल हैं, काफी दूर से चक्कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं, एक मूवमेंट आंदोलन और आंदोलन नौजवान किसान परेशान
यात्रा के माध्यम से पे जा रहे हैं और विभिन्न प्रांतों की अलग अलग समस्याएं होती है। राहुल गांधी जी तमाम समस्याओं को प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने इससे करना निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा एक नफरत छोड़ो का भी संदेश देती चली जा रही है। हमारी बड़ी तेजी के साथ इस देश में फैलता जा रहा है और तमाम देशों में विदेशों में भी इसकी बहुत बड़ी चर्चा है और इसके लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।